असं वाटतं की कृषी विधेयकावर निव्वळ राजकारण या ठिकाणी केलं जात आहे। जे या विधेयकाची अंमलबजावणी न करणं हे शेतकरी विरोधी आहे आणि हे इतके दुटप्पी आहेत की काँग्रेस पक्षाने 2019 जाहीरनाम्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही करू सत्तेवर आलो तर असं म्हटलं होतं। मग त्यांनी त्या जाहीरनाम्यात असे म्हणायला पाहिजे होतं की जर आम्ही सत्तेवर आलो नाही तर दुसऱ्या पक्षाला हे करू देणार नाही, त्यामुळे ही दुटप्पी भूमिका आहे, पूर्णपणे चुकीचं आहे। आणि मला असं वाटतं की याचं उत्तर शेतकरीच त्यांना देतील, अंमलबजावणी त्यांना करावी लागेल। बिहारच्या निवडणुका घोषित झाल्यात, जसं निवडणूक आयोगाने सांगितलं की कोरोनाच्या काळामध्ये अतिशय मोठी ही निवडणूक आहे, त्यामुळे एक प्रकारचा तो चॅलेंज आहे। पण मला विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींवर जो सामान्य माणसाचा बिहारमध्ये विश्वास आहे आणि त्यासोबत नितीश कुमारजी, सुशील मोदीजी यांच्या सरकारने केलेलं जे काम आहे, यामुळे बिहारमध्ये अतिशय प्रचंड मोठा विजय हा NDA ला त्या ठिकाणी मिळेल हा मला विश्वास आहे। देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ है, 3 फेज में ये चुनाव किया जाने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कोरोना के काल में दुनिया में इस प्रकार से चुनाव इतना बड़ा कहीं हुआ नहीं है, वो पहला चुनाव भारत में और बिहार में होने जा रहा है। मेरा विश्वास है क्योंकि मैं बिहार जाकर आया हूँ, बिहार का जो आम आदमी है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, वो मोदी जी को चाहता है। उसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, इनके नेतृत्व में वहाँ की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, किसानों के लिए अच्छा कार्य किया है। विशेष रूप से चाहे बाढ़ हो, चाहे फिर प्रवासी मजदूर हो, चाहे अलग अलग प्रकार की विपदाएं कोरोना जैसी हो, इसमें लोगों की बहुत मदद की है, एक सकारात्मक कार्य किया है। इसलिए